हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर स्पाइसी राइडल्स इन लास्ट वीडियो वी सो अप टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एटी वन टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एटी टू सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई एम कुट्टन मैं कुट्टन हूँ आई लिव इन केरला और मैं केरला में रहती हूँ देर इज़ ए गार्डन ऑफ स्पाइसिस इन द बैकयार्ड ऑफ माई हाउस मेरे घर के पीछे वाले आंगन में मसालों का बगीचा है देर आई सी प्लांट्स ऑफ तेजपत्ता बे लिव स्मॉल एंड बिग कार्डामॉम्स एंड ब्लैक पेपर ग्रो तो मेरे घर के पीछे वाला जो गार्डन है उसके भी वहाँ पर मैं कौन से कौन से प्लांट्स देखती हूँ तो तेज पत्ता मतलब बे लिव स्मॉल एंड बिग कार्डामोम्स मतलब छोटे और बड़े इलायची एंड ब्लैक पेपर ग्रो और कौन सा है ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची वहाँ पर उगती है फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रो इन योर एरिया राइट देअर नेम्स आपके एरिया में जो भी स्पाइसेस ग्रो होते हैं उसके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं सो so, कौन से हैं ये स्पाइसिस लाइक चिल्ली टर्मरिक गार्लिक जिंजर क्यूमिन सीड्स फेनेल सीड्स एक्सेट्रा आर ग्रोन इन माई एरिया तो चिल्ली मतलब मिर्च टर्मरिक हल्दी गार्लिक लहसुन जिंजर अदरक क्यूमिन सीड्स जीरा फैनेल सीड्स मतलब सौंफ ये सारे जो भी स्पाइसिस हैं वो हमारे एरिया में ग्रो होते हैं मतलब कि उगते हैं नेक्स्ट ब्रिंग सम

थोड़े से स्पाइसेस आप लोगों को क्लास पे लेके जाने हैं और फिर राइट देयर नेम्स इन द टेबल टेबल में उसके सारे नेम्स लिख देने हैं क्लोज़ योर आइस आँखों को बंद करना है और उसे ट्राई करना है उसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को रिकग्नाइज करना है पहचानना है उसे कि कौन सा स्पाइस है स्मेल या फिर उसे टच करके स्मेल से भी आप बता सकते हो या फिर टच कर कर भी बता सकते हो चलो तो अभी हम टेबल देखेंगे सो टेबल में आप लोगों को स्मेल और टच नेम ऑफ स्पाइस एक टेबल बनाना है और फिर आप लोगों को वन बाय वन स्पाइस को उठाकर फिर उसे टच करना है और स्मेल करना है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो आपको देखना है सो so, सबसे पहले जो हम स्पाइस लेंगे वो था उसकी स्मेल ली और टच किया तो उससे आप लोगों को क्या पता चला कि रेड चिल्ली तो रेड चिल्ली को आपने उठाया फिर उसकी जो स्मेल है उससे और उसे टच करने से आपको पता चलता है कि कौन सा स्पाइस है रेड चिल्ली तो आप लोगों को स्मेल और टच दोनों की वजह से क्या पता चला कि कौन सा स्पाइस है रेड चिल्ली है नेक्स्ट नेक्स्ट इज ए जिंजर जिंजर को आप स्मेल कर सकते हो टच करके फिर बता सकते हो तो कौन सा आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने जिंजर स्पाइस आइडेंटिफाई किया है नेक्स्ट इज गार्लिक गार्लिक को भी स्मेल और टच करके फिर आप बता सकते हो कि कौन सा स्पाइस है तो नेक्स्ट टर्मरिक उसको भी स्मेल और टच करके फिर आपने क्या आइडेंटिफाई किया इट इज़ टर्मरिक नेक्स्ट इज क्लव क्लव्स को भी स्मेल एंड टच करके फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रेकोगनाइज कर सकते हो सो आफ्टर रेकोगनाइज यू हैव टू रिकोगनाइज क्लव्स आपने क्या रेकोगनाइज किया क्लव को रेकोगनाइज किया था लेट अस ट्राई टू मेक अ स्पाइसी चना चाट सो स्टूडेंट यहाँ पर जो स्पाइसेस है उसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो स्मेल और टच करके आपके घर में जो भी स्पाइस है या फिर स्पाइसिस है उसको आप लेके फिर उसको टच करके और स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हो तो स्टूडेंट्स आप ये एक्सपेरिमेंट आपके घर पे करना ओके स्टूडेंट नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू मेक अ स्पाइसी चना चाट तो अभी हम क्या बनाएंगे स्पाइसी चना चाट मसालेदार चना चाट बनाएंगे तो स्टूडेंट क्या आपके मुंह में पानी आ गया चना चाट का नाम सुनकर तो सभी स्टूडेंट चना चाट घर पे बनाने के लिए ट्राई करेंगे ओके स्टूडेंट फॉर दिस यू नीड तो चना चाट बनाने के लिए आप लोगों को कौन से कौन से इंग्रेडिएंट्स जरूरी है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है सो फर्स्ट इज़ बॉइल्ड चनास ग्राम इनफ फॉर एवरीबडी इन द क्लास तो आपको चनास मतलब कि ग्राम जो चना होता है वो लेना है फिर सॉल्ट रेड चिल्ली पाउडर मैंगो पाउडर और लेमन अकॉर्डिंग टू टेस्ट टेस्ट के हिसाब से आपको नमक लाल मिर्च पाउडर एमचूर पाउडर और लेमन लेना है नेक्स्ट पॉइंट इज रोस्टेड क्यूमिन सीड्स ब्लैक सॉल्ट एंड गरम मसाला इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आपको क्या लेना है रोस्टेड क्यूमिन सीड्स मतलब भुना हुआ जीरा जो होता है वो आपको लेना है ब्लैक सॉल्ट और फिर गरम मसाला अगर पॉसिबल है तो गरम मसाला भी आप ऐड करोगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स तो ताज़ा ताज़ा जो धनिया के जो पत्ते होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं फिर यहाँ पर उसकी जो रेसिपी दी गई है उसे हम फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट आप भी आपके घर में ये रेसिपी फॉलो करेंगे एड सॉल्ट रेड चिल्ली पाउडर अमचूर पाउडर और लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट इन द बॉइल्ड चना तो जो बॉइल्ड चना है उसके अंदर आप सॉल्ट चिल्ली पाउडर रेड चिल्ली पाउडर एमच्यूर पाउडर और लेमन जूस आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड अ लिटल रोस्टेड क्यूमिन सीड्स ब्लैक सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर आपके चना चाट को और भी डिलीशियस और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करना है जो भूरा भुना हुआ जीरा है उसे आपको ऐड करना है ब्लैक सॉल्ट यूज़ करना है उसे उसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है और जो कोरिएंडर पाउडर है उसे भी आपको डालना है ए पिंच ऑफ़ गरम मसाला कैन अल्सो बी एडेड एट द एंड और लास्ट में आपको थोड़ा सा चुटकी भर पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर गरम मसाला उसके अंदर ऐड करना है मिक्स द चना वेल जो चना है उसके अंदर जो भी स्पाइसेस हमने डाले हैं वो सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऑन टॉप और फिर ऊपर से हमें जो कोरिएंडर लीव्स मतलब कि जो धनिया के जो पत्ते हैं वो हमें स्प्रिंकल उसके ऊपर डालने हैं छांटने हैं हुर योर स्पाइसी चाट इज रेडी टू ईट तो आपका जो मसालेदार जो चाट है वो रेडी हो गया है खाने के लिए अभी तैयार है तो सभी स्टूडेंट्स चना चाट की रेसिपी घर पर फॉलो करेंगे और फिर चना चाट को एंजॉय करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स चलो लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट डिड यू एंजॉय द चना चाट तो आप चना चाट की रेसिपी फॉलो करो फिर उसे खाने के बाद एन्जॉय करने के बाद आप बता सकते हो कि क्या आपने चना चाट को एन्जॉय किया या नहीं किया सो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स चना चाट को एन्जॉय करेंगे ही बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिलीशियस क्योंकि वो कैसी होती है चना चाट बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट होती है नेक्स्ट पॉइंट जस्ट इमेजिन इफ़ देर वेर नो स्पाइसिस टू मेक द चना चाट हा वुड इट टेस्ट आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर चना चाट बनाने के लिए कोई भी स्पाइसेस हम यूज़ नहीं करेंगे उसके अंदर डालेंगे नहीं तो चना चाट कैसा बनेगा सो इफ़ देर वेर नो स्पाइसेज टू मेक द चना चाट चना चाट बनाने के लिए अगर कोई भी स्पाइसेस नहीं होंगे इट वुड बी द टेस्ट लेस एंड ब्लैंड कैसा होगा टेस्टलेस मतलब कि बिल्कुल भी स्वादिष्ट उसमें स्वाद नहीं होगा वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा और कैसा लगेगा फीका लगेगा नो वन वुड एन्जॉय ईटिंग इट और कोई भी उसे खाने का मज़ा कोई भी खाने का लुफ्त नहीं उठा पाएगा नेक्स्ट ट्राई टू लर्न एंड मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैट एंड एन्जॉय इट विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास तो आपको क्या करना है अलग अलग प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चाट बनाने को सीखना है और क्लास में फिर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है सो uh, so, आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा लर्न टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ चना चाट लाइक like सेब पुरी चाट चटनी पूरी चाट ममरा सेव चाट दही पूरी चाट एक्सेट्रा ये सारे चाट बनाना आपको पहले क्या करना होगा सीखना होगा फिर आप क्लास में आपके फ्रेंड्स के साथ सारे चाट को एंजॉय कर सकोगे नेक्स्ट हाउ डू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील इन फील ऑन योर टंग आप जो स्पाइसलेस है मतलब कि बिना मसालों की जो चीज़ होती है और वेरी स्पाइसी थिंग्स और बहुत ही मसालेदार कोई भी चीज़ होती है तो उसको आप कैसे फील करोगे कैसे महसूस करोगे आपकी जीभ के ऊपर आंसर इज़न थिंग्स आर वेरी स्पाइसी अगर कोई भी चीज़ बहुत ही स्पाइसी होगी माई टी माई टंग फील्स वेरी हॉट एंड टेंगी तो हमारी जो टंग है जो जीभ है वो कैसा महसूस करेगी वेरी हॉट एंड टेंगी महसूस करेगी इफ़ थिंग्स आर नॉट स्पाइसी देन देर इज़ नो सच फीलिंग ऑन द ट अगर बिल्कुल भी अगर इफ़ थिंग्स आर नॉट स्पाइसी अगर थिंग कोई भी है वो स्पाइसी नहीं होगी तो ऐसी कोई भी फीलिंग हम हमारी टंग के ऊपर महसूस नहीं कर पाएंगे सो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर इज़ फिनिश्ड हीयर वी सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वर्क बुक इन नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट्स बाय बाय थैंक यू